उत्तरी भारी स्पेशल टीम ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। 2 लुटेरे और 2 लूट का सामान लेने वाले आरोपियों को स्पेशल स्टाफ की टीम ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों में ऋतिक नाम का लुटेरा रह चुका है नेशनल लेवल का रेसलर। कई खिताब जीतने के बाद क्राइम की दुनिया में रखा कदम। पुलिस ने माल समेत किया गिरफ्तार। करीब 40 लाख रुपए के लूट के सामान को भी किया गया बरामद। पुलिस ने इनके पास से 2 टॉय गन और 1 लूट में इस्तेमाल की जाने वाली मोटरसाइकिल भी की बरामद। पुलिस लगातार आरोपियों से पूछताछ में जुटी। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लूटपाट की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही थी। इस तरह की घटना दिल्ली के बकौली गांव के सामने आई है, जहां 35 से 40 लाख रुपए की जींस के कपड़े के कंटेनर को 2 लोगों ने लूट लिया और उसको जींस की मार्केट में सप्लाई कर रहे थे, लेकिन उससे पहले पूरा गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दरअसल बीती 10 मई को बकौली गांव से एक ट्रक गांधीनगर के लिए निकला, जिसमें करीब 40 लाख के डेनिम जींस के कपड़े का माल भरा हुआ था, जिसे गांधीनगर छोड़ा जाना था। उससे पहले रास्ते में ही 2 लोगों ने टॉय गन दिखाकर इस ट्रक के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। और जब ये जानकारी पुलिस को मिली तो उत्तरी बाहरी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम इस वारदात को सुलझाने में लग गई। लूट के वक्त काम लेने का फोन ट्रक में ही रह गया था, जिसकी लोकेशन ट्रैक करते करते पुलिस रघुवीर नगर तक पहुंची, जहां से ये जानकारी मिली कि जींस की बड़ी मार्केट में चोरी का माल सप्लाई किया जाना है, जिसके बाद पुलिस ने अपनी टीम को अलग अलग मार्केट में फैला दिया। और आखिरकार ऐसे ही एक मार्केट में लॉट को बेचने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने छापा मारा तो इस गिरोह का भंडाफोड़ हो गया। पुलिस ने इस मामले को सुलझाते हुए नेशनल लेवल के रेसलर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ऋतिक नाम का ये रेसलर कई नेशनल अवार्ड अपने नाम कर चुका है और कुश्ती में नेशनल अवार्ड जीतने के बाद इसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। उसका कहना है कि शराब के नशे में दोस्तों के साथ इस वारदात को अंजाम देने के लिए निकला। इससे पहले इसने इस तरह की कोई वारदात को अंजाम नहीं दिया, लेकिन फिलहाल अब ऋतिक और उसके साथी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने इस कार्रवाई से टॉयगन दिखाकर हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया और साथ ही इस वारदात में शामिल एक पूर्व नेशनल कुश्ती के खिलाड़ी को भी गिरफ्तार किया, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि हाईवे पर हो रही लूटपाट की वारदातों पर कुछ लगाई। 20 मई 2019 को ये रात के समय एक हमारे पास रॉबरी की कॉल आई थी। इस कॉल के अंदर ये था कि नसीब हुसैन नाम का हमारा जो कंप्लेनेंट है, ये बकौली गांव से चला था टेम्पो में, जीन्स का जो डेनिम के कपड़े का जो लट्ठा होता है, 77 लट्ठे थे जिसकी कीमत लगभग 35 से 40 लाख रुपये थी, उसको लेकर ये चला था। और इसने गांधीनगर में जाकर इस माल की डिलीवरी कर ली थी। गांधीनगर के रास्ते में एक मोटरसाइकिल सवार इसको इंटरसेप्ट करते हैं 2 लड़के, और इससे पिस्टल दिखा के जबरन ये टेम्पो छीन कर माल समेत उसको लेकर रफो चक्कर हो जाते। इसके ऊपर तुरंत हमने कार्रवाई करी, हमने इस पर रॉबरी का मुकदमा दर्ज करा और तफ्तीश में हमारी स्पेशल स्टाफ की टीम जुट गई, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर अजय कर रहे थे। और इसमें एक बड़ा सिग्निफिकेंट क्लू हमारे पास ये रहा कि जो ये हमारा कंप्लेनेंट था, इसका मोबाइल फ़ोन इसके अंदर छूट गया था। तो 2 दिन तक तो उसकी लोकेशन हम ट्रेस करते रहे और उसकी लास्ट लोकेशन हमें रघुवीर नगर की मिली। रघुवीर नगर जाकर हमने इस बात का आइडिया लगाया कि ये एक संभावित जगह हो सकती है जहाँ पर इस माल की बिक्री हो या इसको डिस्पोज करने की कोशिश की जाएगी। तो रघुवीर नगर, सागरपुर, टैंक रोड और दिल्ली में तमाम जो बड़ी जींस की मार्केट है, वहाँ पर हमने अपनी टीम को फैला दिया और हमने इसमें इंफॉर्मेशन डेवलप करनी शुरू करी। कुछ लोकल इन्फॉर्मर लेवल पर हमें एक खबर मिली कि अनवर नाम का एक आदमी है जिसके पास में काफ़ी बड़ा लॉट जींस का डेमो का पाया गया है। वहाँ पर जाकर जब हमने तफ्तीश पता करी और हमने इनको जाकर इंस्पेक्ट करा, तो पता लगा कि ये वारदात में जो शामिल मुलजिम थे वो इस गिरोह हमारे सामने खुल के आ गया। इसमें मेन जो एक्यूज लड़के थे जिन्होंने रॉबरी को अंजाम दिया, एक का नाम है ऋतिक, ये झंडे वाला में रह रहा है, और इसका साथी था ओम शंकर मौर्य नाम है उसका लड़के का दूसरे में, ये भी झंडे वाला में रहता है और बेसिकली ये बरेली के रहने वाले हैं। इसमें जो ऋतिक गोस्वामी है, इसके बारे में बड़ी नोटिसेबल बात यह है कि ये पहले नेशनल लेवल का रेसलर भी रह चुका है और 3 नेशनल मेडल इसने जीते हैं, और बाद में कुछ अपने पर्सनल रीजंस के चलते इसने क्राइम का रास्ता अपना लिया। और इनकी मॉडस ऑपरेंडी यही रहती थी कि एक प्लास्टिक टॉय गन ये अपने साथ रखते थे, जिसको ये रॉबरी के दौरान चलाने के लिए इस्तेमाल करते थे, और उसके बाद में इसी तरीके से माल को छीन के ले जाते थे। जब हमने इनकी तफ्तीश करी तो पता लगा कि राजौरी गार्डन और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में पहाड़गंज थाने का भी एक इस तरह की इन्होंने लूट की वारदात कर रखी है, वो भी अपने डिस्क्लोजर में इन्होंने बताया। सर, इसका मास्टरमाइंड कौन है?
मास्टरमाइंड तो इसमें जो है ये ऋतिक और ओमशंकर मौर्या ही हैं। अनवर और संतोष जो हैं वो इनके रिसीवर हैं। इसमें एक इन्होंने और बहुत स्मार्ट गेम खेला हुआ था कि इनको इस बात का डर था कि अगर ये कपड़ा इसी रूप में रखा गया तो ये रिकवर होने का चांस बन जाएगा। तो इन्होंने एडवांस बतौर, जैसे कि एक व्यापारी अपने माल को बेच के ऑर्डर देता है, इन्होंने आगे ऑर्डर भी प्लेस करके एडवांस पेमेंट भी ले ली थी। 5 लाख रुपये कैश रिसीव कर चुके थे और इसमें लगभग 8 से 10 गट्ठे जो थे वो जीन्स की शेप पे कट भी चुके थे कि जिससे कि वो प्रॉपर जीन्स बन जाती और उसको किसी तरह से भी शिनाख्त नहीं की जा सकती थी। इसमें ये भी सुनने को आया कि जो ये खिलाड़ी है, स्पोर्ट्समैन है, इनको पहले एडवांस में चोरी कराने के लिए पेमेंट दी गई थी। इस तरह की जो बात है इस पर भी हमारी जांच चल रही है। इसमें इतना कोई क्लियर पुष्टि हमारे पास अभी नहीं हुई। अभी इनको हमने आज अरेस्ट करके अभी इनको पीसी पे लाएंगे और बाकी केसेस की तफ्तीश भी इनसे अभी करेंगे। सर, पूछताछ में पता लगा कि स्पोर्ट्समैन इतना अच्छा, जैसे कि आपने बताया 3 गोल्ड मेडल भी ले चुका, तो इस मामले में कैसे इन्वॉल्व हुआ सर लूट के? अभी इस बारे में तो जो फर्स्ट वर्जन इसने दिया है वो तो अभी इसने यही कहा है कि आर्थिक तंगी थी, बट इसमें हम भी इसकी और गहराई तक जाएंगे और पता करेंगे कि क्या कौन आदमी रहे हैं जिसने इनको इस बारे में कोई अच्छी बुरी बात समझाई है जिससे ये राह भटक कर इस तरह के क्राइम के रास्ते पे चला गया। क्या इनसे पहले भी कोई क्राइम किया इन्होंने या कोई क्राइम रिकॉर्ड रहा इन लोगों का? पहले कितने मामले दर्ज हैं सर? जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पहाड़गंज का हमारा मुकदमा है और अजोरी गार्डन का हमारा मुकदमा है, ये भी इसी साल के मुकदमे हैं और हमारी वाली FIR से पहले के मुकदमे कर रहे हैं वाले, और भी संभावित कुछ वारदात इन्होंने कर रखी होगी उसके बारे में भी जांच कर। ठीक है सर, थैंक यू।